इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा और रितिका सचदेव आज यानी 13 दिसंबर 2020 को अपनी फिफ्थ वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने इस मौके पर अपनी वाइफ रितिका के साथ की अंतिम तस्वीरें शेयर करते हुए वाइफ रितिका को फिफ्थ वेडिंग एनिवर्सरी की बधाई दी। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रोहित शर्मा ने कैप्शन लिखा, 5 years of affection and we plan to stay not out till the end। इन तस्वीरों पर फैंस ने ढेर सारी लाइक्स और कमेंट करते हुए क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका को एनिवर्सरी की बधाई दी। रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदेव ने भी अपने सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए रोहित शर्मा को एनिवर्सरी की बधाई दी और लिखा, हैप्पी 5 माय लव रोहित, आई कॉल डिप्स ऑन यू फॉर ऑल अवर फ्यूचर लाइफ टाइम्स। रोहित शर्मा ने आज से 5 साल पहले 13 दिसंबर 2015 में रितिका सचदेव से शादी की थी। रोहित शर्मा और रितिका ने एक दूसरे को करीबन 6 साल तक डेट करने के बाद एक दूसरे से शादी की। रोहित शर्मा की रितिका से मुलाकात क्रिकेटर युवराज सिंह के जरिए हुई थी। रितिका सचदेव युवराज सिंह की राखी बहन भी है। शादी से पहले रितिका रोहित शर्मा की स्पोर्ट इवेंट मैनेजर भी रह चुकी हैं। शादी के प्रपोजल के लिए रोहित शर्मा रितिका को बोरीवली के स्पोर्ट क्लब लेकर गए थे, जहां उन्होंने पहली बार बैट पकड़ना सीखा था। इसके बाद नी डाउन होकर रोहित शर्मा ने रितिका को हाथ में अंगूठी पहनकर प्रपोज किया। शादी के 3 साल बाद 2018 में ये कपल को एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने समायरा शर्मा रखा है और अक्सर ये कपल उनकी बेटी की साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। हम भी टीवी अपडेट की ओर से क्रिकेटर रोहित शर्मा और रितिका सचदेव को बहुत सारी बधाई देते हुए हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदी करते हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को क्लिक करके जरूर शॉपिंग कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।